अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, मेरे साथ ना अभी थोड़ी देर पहले, लाइक पिछले 5 मिनट में, एक बड़ा ख़राब वाला प्रैंक हो गया। मैंने एडिटिंग स्टार्ट की, ठीक है, वॉइस ओवर कर रहा था, और वॉइस ओवर करते करते 2 मिनट तक तो वॉइस ओवर कर लिया, आप लोगों से बातें कर ली, ठीक है, और बाद में देखा मैंने वॉइस ओवर स्टार्ट ही नहीं किया था। हा, इसे कहते हैं फेक वाली हंसी विद अनॉनिमस, लॉल। तो गाइज, इतने मेरे को वो हुआ ना, लाइक कि मैं नहीं, मतलब इतनी मज़े से आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, बाद में पता चला रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। नहीं, हमारे साथ ना बहुत ही वाला गंदे वाला प्रैंक हो गया। लाइक पहली बार हुआ ऐसे कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की और बोलने लग गया, और फिर आधी जब 2 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई तो पता चला अरे अनॉनिमस भैया, आपके साथ प्रैंक हो चुका है। तो गाइज, वीडियो नहीं आई, आप लोगों में से ज़्यादातर को पता होगा कि वीडियो क्यों नहीं है, और जिनको नहीं पता हम अपने भाई लोग को बता दें कि रैंक पुश की वजह से टाइम देना पड़ रहा है, और लाइक हैकर भी मिल रहे हैं, तो जितने प्लस करते हैं उतने माइनस हो जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत लग रही है। और अभी मेरा तकरीबन, आप जब ये वीडियो देख रहे होगे, इंशाल्लाह मेरा क्राउन 4 हो चुका होगा, तो बस जल्दी से लगने वाला है, 2-3 दिन और है, इंशाल्लाह कॉन्करर लग जाएगा, और फिर बस कभी छुट्टी नहीं करेगा इंशाल्लाह आपका अनॉनिमस। तो गाइस, इस गेम प्ले में पहले हम आपको सस्ती शायरी सुना दें, और ऊपर से आगे बहुत मज़े की चीज़ आने वाली है। तो सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है, आप 5 बार वाह वाह बोलोगे, ये तो आपको पता है जो डेली वीडियोज़ देखे। ओके, सस्ती शायरी में अर्ज़ किया है कि बचपन में मुझे बहुत पसंद थी WWE की रिंग। वाह 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 वाह, बचपन में मुझे बहुत पसंद थी WWE की रिंग, मेरा दोस्त मारता है बॉट को और समझता है खुद को पबजी का किंग। सस्ती शायरी विद अनॉनिमस बाबा जी। तो गए सबके सब अनॉनिमस की पब्लिक, जोरदार लाइक बटन दबा दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि कल आपने लाइक नहीं की तो मतलब, हाँ कल वीडियो नहीं आई वो भूल गए, बट आपने कल लाइक भी नहीं किया ये याद रखना, तो आज से मतलब कल वाले लाइक भी आज होने चाहिए पब्लिक। तो हमने पहले मारा बॉट को, बॉट को मार के मतलब बाबू भैया हमारे, फिर उनकी हमने उठाई, मैं जा रहा था, मार नहीं रहा था, बट हमें आवाज़ आई कि बॉट भैया के पास है M416, तो हमने अपनी गड्डी घुमाई, आके बॉट भैया को मारा, और वापस से गए हम रश करने लगे मिलिट्री बेस। तो इस गेम प्ले में क्या होता है गाइस, हमें एक इंडियन भाई मिलते हैं, लाइक मैं बहुत देर से उनको ट्रोल कर रहा था, और फिर बाद में वो हमारे इंडियन भाई जाना ऑल पे बोलते हैं कि भाई मैं इंडिया से हूँ, फिर हम उनको अपनी गन देते हैं और नहीं कहते भाई आप जाओ, आपका रैंक माइनस नहीं मारेंगे, आपका रैंक माइनस नहीं करेंगे। तो काफ़ी अच्छा सीन था, लाइक एक कंट्री के पे कुछ रिस्पेक्ट शो करना। तो गाइस, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, इस बंदे को हमने डाउन किया, और फिर इसने तो ऑलमोस्ट हमारी जान निकाल दी थी, क्योंकि मैं यहाँ अकेले आया था और मैं यहाँ नॉक हो जाता तो हमारी बच जाती बैंड, हमारे पिछवाड़े में ये अरबी भैया गोलियां मार के हमारी क्रेट से लूट उठा लेते, हमारी M416 उठा लेते, लेकिन हमने बोला ऐसे कैसे बाबा जी, ऐसे कैसे गैस पे लूट करेंगे, और फिर लूट के भूखे हम, स्मोक तो थी नहीं, ऊपर में जाके टैप 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 टैप, लूट का नो मजाक, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी उठा रहे थे। फिर दूर से पड़ती है गोली, और जिनका प्लेन था ना गाइस, उन बंदों ने चलाई हुई है मिलिट्री बेस में फ्लेयर गन्स, वो भी दो दो। तो हम यहाँ पर आए, और अभी आपने देखा शॉट आया था कार्नेटेड का, तो मैं वापस बिल्डिंग के अंदर से मूव करने लगता हूँ और आ जाता हूँ सीधा ये ऑफिस के पास। अब यहाँ पर आके गाइस, मैं एंगल लेने का ट्राई करता, हमारे पास है DP28 और उस पर लगा हुआ रेड डॉट स्कोप नहीं था हमारे पास। वो गाइस ऊपर बिल्डिंग पे दो दो बंदे बैठे हैं, और ये वही वाले स्क्वाड थे जिनका प्लेन था बाबा जी। तो हमने पीक ली और और पहले तो भैया नॉक नहीं हुए, और फिर नॉक नहीं हुए तो वो बोले होंगे हा, हम नॉक नहीं हुए। फिर जब गोली पड़ी तो वो बोले बचाओ रे बचाओ रे, तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला होगा, हमारा गला ही इतना ख़राब है ना, तो अभी आप जब मैंने बोला ना बचाओ रे, आप लोग बोले होंगे मत करो मत करो, बहुत मनुष्य लग रहे हो, अल्लाह माफ़ करे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, तो आपने वो वाला रिएक्शन दिया होगा गाइस। तो फिर गाइस मैं वापस आ जाता हूँ, जब वो शॉट पड़ते हैं, अब ये पूरा स्क्वाड था, इनके पास हाइट है, इनके पास अच्छी जगह है, और इनको पता है कि हमने तो रश करना नहीं है, एनिमीज ही करेंगे, लाइक मैं ही रश करूँगा उन पर, वो तो नहीं करने वाले, तो वो बड़े आराम से वहाँ पर बैठे हुए, अब हमें करना पड़ेगा रश। हम आए गाइस ऑफिस के अंदर, यहाँ पर वेट कर रहे हैं कि मौका मिले और मैं जाऊँ, लेकिन यहाँ पर हमारे टीममेट ने एक काम अच्छा किया कि हमें दे देंगी 6X स्कोप, और वो हमारा बहुत ही अच्छा वाला फेवरेट वाला है, सबका फेवरेट होता है, हमने उठा लिया 6X, अपनी M4 पे लगाएंगे, होलो फेंक देंगे, रेड डॉट लगा लेंगे M416 पे 6X, और DP पे रेड डॉट, और फिर बस हमें थोड़ी सी जल्दी थी तो हमने यहाँ से घुसने का फैसला किया।
ऊपर छत पे हमारे भैया लेटे हुए थे और वो गोलियां मार रहे थे जो सारी छत को लग गई, और फिर हम ऊपर कर देते हैं बाबा जी रश और ऊपर जाके एक भैया को किया नॉक, और अब इनके बाकी क्लैन मेंबर सामने वाली बिल्डिंग में थे, ये हमने दूसरे भैया को किया नॉक, ये हमने तीसरे भैया को किया नॉक, और बाबा जी हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए बाबा जी मुल्तान में। हमने फिर मज़े से की लूट टैप टैप करके, अब जाएंगे गाइस अपनी पहली मोहब्बत AWM मंगवाएंगे और उठाएंगे सॉरी, और फिर ड्रॉप लूटने के बाद गाइस देखो कैसे गन पीछे रख के भाग रहा हूँ मैं कि मुझे ओम मिल जाए। लूट का नो मजाक बाबा जी, बम पे हमारे पैन लगा हुआ है M416 हाथ में। वो मैं एक चीज़ नोट की, मैंने DP की स्किन नहीं लगा रखी लॉल, तो मैं लगाता हूँ वो भी। लॉबी में जाके भाग के गाइस करेंगे लूट, और लूट करने के बाद पहले लूट के लिए टैप 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 गाइस आपका दिल। अच्छा गाइस एक मुझे बात बताना, जब आप मुझे क्रेट से लूट करते हुए देखते हो लूट अच्छी पड़ी होती है कभी, लाइक कभी भी ऐसा हुआ तो मुझे बताना ठीक है। लूट अच्छी पड़ी हो तो आपका दिल करता कि मैं भी जाके लूट उठा लूँ, सच सच बताना अगर ऐसा दिल करता है कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद गाइस हम अपनी मेहरान गड्डी में आ गए पहुँचिंग थी, मतलब अपने पिंडी, मतलब अपने रावल पिंडी, हा। पिंडी आने के बाद गाइस हम सीधा लाइक ये देखो पीछे से शॉट्स आए थे, हमने थोड़ी दूर गाड़ी राइट में रोक दी, और गाड़ी राइट में रोकने के बाद मैं जाऊँगा गाइस लेफ्ट पे, क्योंकि राइट पे उनके टीममेट फैले होंगे कहीं से भी पड़ जाएगी। लेफ्ट पे ये है कि थोड़े कंपाउंड्स होते हैं, थोड़े घर होते हैं, ओ सॉरी लेफ्ट पे नहीं राइट पे, उल्टा बोल रहा हूँ मैं सॉरी, लेफ्ट पे ज़्यादा बंदे ज़्यादा घर हैं, तो बंदे वहाँ से हमें अलग अलग एंगल से मार सकते हैं। राइट पे एक ही रो है घरों की, तो यहाँ पे हम थोड़े सेफ हैं। उस बंदे ने यहाँ पे पीक दी गाइस और पीछे भाग गया, मेरे टीममेट्स को मार्क करके बताया और एनर्जी ड्रिंक मारेंगे, और फिर हम राइट वाली साइड से, मैं फिर कन्फ्यूज़ हो रहा था गाइस। और अभी आप बोले कि अनानी भैया 7:01 पे आप राइट को लेफ्ट बोलने वाले थे, फिर ऐसे कमेंट आएंगे हमारी पब्लिक के। तो गाइस इसके बाद हम करते हैं रश M416 साथ में, और हमारे कंधे पे लटकी हुई है, कंधे पे आप कंधा बोलते हो या कांधा बोलते हो मुझे कमेंट में ये भी बताना गाइस। अरे भैया पीछे भग गए, और ये हमारी ज़िंदगी खतरे में आने वाली है गाइस। इन भाई साहब को तो गाइस पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा, लेकिन कुछ भी हो हमने मौत को छुआ और तक से वापस आ गए बाबा जी। टेंशन नहीं लेनी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और क्या होगा नाड़ा कच्चे के लिए होगा, बिल्कुल सही पब्लिक। फिर हमने की पागलों की तरह लूट, टैप 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 टैप। लॉ ऑफ एनोनिमस, इसकी डेफिनेशन है गाइस, देखो लॉ ऑफ एनोनिमस आज मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ एनोनिमस इज लूट का नो मजाक, and when you see crate you just tap 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 is called loot ka no mazak। देखो कितनी आसान सी डेफिनेशन है, और वो न्यूटन की पता नहीं इतनी लंबे लंबे पैराग्राफ, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ हम नहीं लाते भाई, क्या कर लोगे कर लो क्या कर लोगे, हम नहीं लाते लॉ लॉ लॉ, व्हाट इज़ न्यूटन लॉ, एनोनिमस का लॉ ठीक है, लूट का नो मजाक आप सब याद कर लेना लॉ ऑफ एनोनिमस। ओके गाइस, और आपको होमवर्क भी देता हूँ आज गाइस, सब ने ये लाओ ना कमेंट करना ओके, मज़ा आएगा। तो ये हमारे भाई काफ़ी लो थे और ये शायद रैंक पुश कर रहे थे हमारे भाई, और ये देखो गाइस लैग हो रहा है बेचारा कितना, मैं इसको ट्रोल करता था पर मेरे टीममेट ने मार दिया, तो फिर हमें काफ़ी ख़राब लगा। तो आप लॉ ऑफ एनोनिमस कमेंट करोगे गाइस ओके, लॉ ऑफ एनोनिमस इज व्हेन यू सी क्रेट यू जस्ट टैप 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 इज कॉल्ड लॉ ऑफ एनोनिमस, नहीं इस कार्ड लूट का नो मजाक। तो आप सब के सब जितने बंदे वीडियो देख रहे हो ये वाला लॉ ना कमेंट में लिख देना, सारा का सारा मज़ा आएगा गाइस ओके। एनोनिमस की पब्लिक, आज मैंने पहली बार आपको होमवर्क दिया तो आपको करना पड़ेगा ठीक है, तो मैं भी लिखूंगा ओके, मैं भी फिन करूँगा। तो गाइस उसके बाद गाड़ी आई थी ब्रिज से, ब्रिज वाला जोन था, दोनों भाइयों को किया डाउन, और उसके बाद मज़े से करेंगे इनकी लूट बाबा जी, मुक्के छुक्के मार रहे हैं हवा में हम। और गाइस जोन एकदम से ना शिफ्ट हो गया था, लाइक पोचिंकी वाली साइड पे था और अचानक से आ गया, ये भाई साहब तो यहाँ पे धूम मचा ले, अपनी बाइक उड़ाते हुए चले गए, भग गए नहीं मिले हमें, लेकिन ये जाके रुक गए थे ऊपर वाले कंपाउंड्स में। तो पहले तो हमने यहाँ पे जाके जोन से बाहर की लूट,
क्योंकि लूट जो है वो जरूरी है गाइस। देखो लेवल 3 बैग, लेवल 3 हेलमेट, लेवल 3 वेस्ट, 6x, 8x ओम, M416, हीलिंग्स, बाप एमओ, बूस्टर्स सब है, फिर भी जोन के बाहर जाके क्रेडिट लूट रहा है ये भूखा इंसान। अब देख रहे हैं इस नीले कपड़े वाले भूखे इंसान को, ये इंसान जोन से बाहर जाके भी कर रहा है लूट। ऐसा भूखा इंसान कहीं आपने देखा होगा न्यूज़ में? ऐसा कभी आएगा गाइस? मुझे लग रहा है। गाड़ी खड़ी है इधर, तो पब्लिक, उसके बाद हम अपनी गधा गाड़ी लेके आ गए ऊपर, और यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक बंदा स्पॉट किया जो गाड़ी पे सोलो यहाँ पे सरवाइव कर रहा था शायद रैंकुश के लिए। तो हम इस पर कर देंगे बाबा जी रश, और लेफ्ट राइट होके एम वहीं पे रख के भाग रहे हैं आगे की तरफ, और फिर जाके हम सपोर्ट कर लेंगे एक जहरीले सांप को। वेयर इज़ द स्नेक, इज़ द जंप की तो मुझे नज़र आया गाइस, और फिर मैं इसको कर दिया भाई को डाउन। भाई को करेंगे यहाँ पे अपने फिनिश, और उसके बाद गाड़ी उठा के बाइक वालों की साइड पे जाएंगे जो ऊपर थे वहाँ पे, मेरे टीममेट्स ने उनको स्पॉट किया था जो कि बाइक वहाँ पे रुकी थी उन्होंने ऊपर वाले घरों में। तो फिर हम वहाँ पे ऊपर रश करते हैं, और वो बंदे गाइस हमें नज़र नहीं आते जब हम पहुँच जाते हैं उस जगह पे। लाइक हम गाड़ी रोकेंगे, मुझे लगा घर पे है, पर मेरे टीममेट बोलते हैं कि उन्होंने पीछे जाते हुए देखा था एनिमिस को बगी पे। तो फिर मुझे लगा ओके भाई मुझे शायद आपकी आवाज़ नहीं आई, क्या वो पीछे चले गए? तो हम वापस से चलते हैं, ढूंढते हैं उनको, वो लोग कहाँ गए। तो हम वापस से बैठते हैं अपनी गधा गाड़ी में। गाइस कितने मज़े की स्किन है गाइस, आपको ये स्किन कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक इस स्किन को नंबर देना कि इस वाली यूएस पे ये स्किन 10 में से कितने नंबर लेती है। फिर गाइस हम यहाँ पे बगी वाले को ढूंढने के लिए निकलते हैं, और यहाँ पे मुझे नज़र आता है एक सांप, ये भी आएगा। ये तो बाइक थी, वो देखो गाइस मार्क आए मैप में, ठीक है ऊपर मैप में फुटप्रिंट आए थे। फिर मैं अपने टीममेट को बोला कि मुझे फुटप्रिंट आए, और जब मैं पीछे देखता हूँ तो बंदा भाग भी रहा था। लेकिन ये गाइस होते हैं प्रो सांप, इन्होंने क्या तो गंदा स्प्रे दिया, एक बार आप खुद देखोगे आपको लगेगा हाँ भाई काफ़ी प्रो सांप थी ये। ये तो बाइक का एनोनिमस भैया, बाइक थी ये तो। येलो वाला बंदा काफ़ी लो है गाइस, बट दो दो बंदे जब गोलियां मारने लगते हैं हम लोग भाग लेते हैं नीचे। हमारी गाली गाली नहीं सॉरी 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 गाड़ी में से काला काला धुआं निकलता है, और फिर भाई भाग रहे होते हैं घर में, तो हमने इनको किया डाउन। दूसरे इनके बंदे अभी मुझे स्पॉट नहीं है गाइस, मुझे ज़रा इल्म नहीं है कि वो कहाँ पर हैं, बट मैं जम करके। तो हमारे पीले वाले भैया गाइस इस पत्थर के पीछे बैठे होते हैं जिनको हम दोनों साइड से मार रहे होते हैं पत्थर के, और यहाँ पर हमें मिल जाता है इनका किल बाबा जी निंजा ASS, और आगे वो सुई टेढ़ी वाली सुई। फिर गाइस हमें सांप हमारे भाई नज़र आते हैं, हमने इनके कान के नीचे लगाया, इनका बकरा बनाया और दूसरी बॉडी शॉट मारी, बट फिनिश नहीं हुए। और यहाँ तो भाई क्या लेवल का दरख्त के पीछे आ गया हमारा भाई, फिर हमने मारा ये शॉट मिस हो गया गाइस, इनके टीममेट सारे के सारे वहीं पर हैं। दूसरा शॉट मारा जो कि बॉडी शॉट लगा, तीसरा शॉट मारा जो कि मिस हो गया, चौथा शॉट मारा जो कि किल सिक्योर हो गया, पांचवा शॉट मारा तो कौर भैया नॉक हो गए, और उसके बाद बाबा जी अब हमें जाना पड़ेगा आगे की साइड पे, इन पे रश करना पड़ेगा। मज़े की बात गाइस ये लोग जोन में नहीं थे, बट हमें जाना था आगे किल उठाने थे, तो हमने धुड़की लगा दी अपनी आगे की तरफ, भाग कमले इस दुन 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 आगे की तरफ भागेंगे गाइस हम। तो काफ़ी मैंने वेट भी किया कि शायद से पीक वीक लें, बट वो नहीं ले रहे थे और रिवाइव भी हो रहा था, तो हमारा किल जो है वो रिवाइव हो जाएगा। गाइस अब मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी प्लेयर को नॉक करते हो और फिर जब वो नॉक हो जाता है तो वो रिवाइव हो जाता है और आपका टीममेट उसी का किल ले लेता है, तो आपको कितना दुख होता है ना? यहाँ हमारे से तो कुछ ऐसे ही होगा, मेरे टीममेट ने नॉक कर दिया था उसको, बट मैं फिर आगे जाके आखिरी बंदे को फिनिश कर देता हूँ, और जो मैंने नॉक किया था उसका किल मेरे टीममेट को मिल जाता है, और फिर हमें काफ़ी दुख होता है, हमारे दिल में काफ़ी ख़राब ख़राब लगता है हमें। और फिर हम आगे गाइस आखिरी दो बंदे स्पॉट करेंगे, ट्राई करते हैं, यहाँ ढूंढा यहाँ भी नहीं थे, शैक में जम करके देखा यहाँ भी नहीं थे, बट फिर मेरे टीममेट ने स्पॉट किया और उन्होंने एक किल एक नॉक किया, दूसरा हमारी तरफ भागता हुआ हमारा भाई, और फिर हमें मिला चिकन विनर डिनर डिनर बाबा जी। तो गाइस ये वाला ग्लिच देखो, किल मेरे ज़्यादा, डैमेज मेरे ज़्यादा, और MVP कोई और आता है। अगर ये ग्लिच आप लोग के साथ भी हो रहा है, मेरे साथ हमेशा होता है, लाइक अभी ये अपडेट के बाद से हो रहा है कि MVP जिसको आना होता है वो MVP नहीं आता, MVP कोई और आ जाता है। तो गाइस उसके बाद हम इस वाले सीन पे आ जाते हैं जो हम लोग उतरे थे नोवो, यहाँ में टैप टैप करके एक बंदे को नॉक किया, इनके बाकी तीन टीममेट्स गाइस वो देखो, नहीं मतलब क्या बाबा जी। अब ये जो है उतर रहे थे गाइस नीचे पानी में, और फिर हमारे पास M16 थी तो हमने इनकी तरफ लगा दी दुड़की, और जाते जाते हमें बैरल भी मिल जाएगी,
तो हम बैरल और M16 लेके पानी वालों को मारने के लिए चले जाते हैं गाइज आगे की तरफ। तीन बंदे थे गाइज, ये और इन्हीं में से एक बंदा लाइक ओके M4 मिल गई नाइस। इन तीन बंदों में से गाइज एक बंदा होगा वही हमारा इंडियन भाई जो कह रहा था कि मैं इंडिया से हूँ, फिर हमने उनको गन दे दी और बच गए। तो लेकिन उन्होंने हमें इतना भगाया लाइक हमने उनको इतना भगाया गाइज, अब हंस के पागल हो जाओगे कि वो भाई कर क्या रहे हैं। तो वो जो पानी में बंदे थे ना गाइज, ये तो भागते गन लेने के लिए, तो मुझे इसको नॉक करना पड़ा क्योंकि ये गन उठा के सारा ट्रोलिंग कर देता खराब। तो हमने भाई को कर दिया यहाँ पे नॉक और इनको कर देंगे फिनिश। ये होगा इस पानी में देख रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा, अगर कोई आएगा तो हम पानी में चले जाएंगे। नहीं सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, भाई जैसे पानी में भागते हैं इनको फिनिश कर देते हैं और इनको करते हैं लो गाइस, ठीक है। इनकी हेल्थ कम है और ये वही वाले बंदे हैं जिनकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब ठीक है, ओके ये वाला ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक नहीं है बट ठीक है, ये ठीक है। लॉल, तो गाइस ये यहाँ पे नज़र है और देखना भाई पानी में चले जाएंगे जैसे हमें नज़र ही नहीं आ रहे। नहीं भाई, जैसे हम आपको देख ही नहीं रहे, पानी के नीचे जा रहे। सर जी, हमने तो आपको देखा ही नहीं, और लेकिन हमारा जो दिल था ना उन्होंने देख लिया था आपको, और हमारे दिल में आवाज़ आ रही थी आई नी मिज़ हेड। भाई उठे, भाई ने लगा दी दुड़की, मम्मी रे ये नीले कपड़े वाला एलियन हमारे पीछे भाग रहा है। भाई ऐसे भाग, अच्छा गाइस बताऊँ भाई क्या सोच रहे होंगे, हमारे भैया सोच रहे होंगे कि हम नीले कपड़े वाले को अपने पीछे भगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये थी कि हम आपके पीछे भाग रहे थे, आप हमें नहीं भगा रहे थे भैया। और फिर हम भैया के पीछे पीछे, भैया हमारे आगे आगे, और भैया जो है वो इतनी स्पीड में भाग रहे हैं, भैया कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि भाई आज मैं इसको भगा के धोखा दे के यहाँ से भाग जाऊँगा और फिर उठा लूँगा पूरे नोवा की लूट। और हम दोनों घन पीछे रख के भागे जा रहे हैं भैया के पीछे, भागे जा रहे हैं भैया के पीछे, भैया हमारे लैग हो रहे हैं, भैया के पीछे पीछे हम लगा रहे हैं दौड़ की। और गाइस यहाँ पे एसकेएस भी बड़ी थी, मैंने लाइक देखना था कि ये गन उठा के मुझे मारता है या नहीं। तो हम भाई के पीछे पीछे आ रहे थे, ओफे भैया हमारे भागे जा रहे, भागे जा रहे, बड़ा भगाया गाइस भाई ने हमें, लाइक इतना कोई मोटा बंदा भागे ना वो भी पतला हो जाए इतना इन भैया ने हमें भगाया। लैग हो रहे हैं हमारे भाई काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हमें हेलमेट मिला, फिर हमने सोचा हेलमेट उठाने गया ना तो ये भैया हमसे बहुत दूर निकल जाएंगे। और जब इन भैया को एहसास हुआ कि हम इनके पीछे लाइक हम इनको धोखा नहीं दे सकते, तो भैया यहाँ खड़े होंगे और हमें चुम्मियाँ देने लग जाएंगे, गीली गीली चुम्मी देने लग जाएंगे, मुक्का मार रहे गए देखो वाह, नहीं मतलब क्या सर जी, मतलब क्या। और फिर भाई को लगा जब हम मरने वाले हैं तो भाई चुम्मी देने लग जाएंगे, अरे सर ये आप जहरीली चुम्मी हमें दे रहे हो। फिर हमने भी भाई को चुम्मी दे दी, आप भी सर चुम्मी ले लो। और फिर भाई ने मैं क्लैप की, ताली बजाई, और फिर हमने भी ताली बजाई, और फिर भाई जो है वो खड़े रहेंगे लाइक, हमने दोबारा से ताली बजाई। फिर मेरे दिल में आया कि भाई को ना गन दे देते हैं, और फिर मैं जाके एक गन M4 तो नहीं देंगे भैया, M4 अपना लव है, हमने बैरल दे दी भैया को। और अब मुझे डर था कि भैया गन लेके मार ना दें, तो भैया ने फिलहाल नहीं मारा, भैया ने गन रख ली पीछे। और अब भैया को मुझे, मैं अपने टीममेट्स को बोल दिया था भाई देखो गन का एम रखना भैया के ऊपर, भैया कभी भी जो है ना गन से ना हमारे बम में गोलियां मार के हमको नॉक एंड फिनिश कर सकते हैं, तो एम रखना ऊपर, वैसे मत मारना, अगर भैया मारेंगे तो हम भैया को मारेंगे वरना हम भैया के साथ साथ घूमते रहेंगे। तो भैया ने गन लेके लगा दी पीछे की तरफ जुड़ की, और फिर हम छुप छुप के भैया का पीछा करने लगे दोबारा। सर जी आप कहाँ जा रहे हैं, हम ऐसे आपको नहीं जाने देंगे। हम भैया के पीछे पीछे, भैया हमारे आगे आगे, दोबारा से हो गया चूही बिल्ली का खेल शुरू। और भैया अंदर जाके टीपी भी लेने लगे, फिर हम डर रहे, मुझे गाइस वाकई में सच में डर लग रहा था तो भाई ने मारी ना बैरल हमारी बैंड बज जाएगी। और फिर जब शायद से गाइस अब भाई के जो टीममेट्स थे ना जिनको हमने मार दिया था, उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि ये लोग मार नहीं रहे, तो उन्होंने इन भाई को बोला कि भाई आप ऑल पे माइक करके बात करो। तो भाई के, फिर भाई ने बोला होगा अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं। फिर भाई हमारे ना ऑल पे माइक करके बोलने लगेंगे, और साइलेंट को लग रहा था कि ये अरबी भाई हैं, और साइलेंट बोल रहा था भाई अरबी जो है ना ये लाइक धोखा देंगे, ध्यान से गन वन निकाल के रखते हैं। तो हमें नहीं पता था गाइस ये किस कंट्री से हैं, ठीक है, तो हमें था कि ये अरबी हैं और ये हमारी बैंड बजा देंगे, तो इसलिए हम एकदम चौकस थे कि अगर ये मारेगा ना तो हम फिनिश कर देंगे गाइस। तो उसके बाद ये भाई बात करने लगे, हमें अभी भी लग रहा था ये अरबी हैं, तो मैं भी आया इन भाई से बात करने के लिए।
और फिर हमारे भाई ने माइक ऑन किया और इन्होंने बताया ये कौन है और कहाँ से हैं। तो अब मैं थोड़ा चुप होता हूँ और आप भाई की आवाज़ सुनो और खुद सुनो भाई क्या कह रहे हैं। हरियाणा दिल्ली से, दिल्ली से। ठीक है ठीक है ठीक और इसके बाद गाइज हमने भाई को जाने दिया लेकिन इनके टीममेट्स मर गए थे और बेचारे बच गए। लाइक गाइज एक बात है, भाई काफ़ी खुश हो गए होंगे और किसी को खुशी मिलती है तो भाई इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो फिर भाई यहाँ से चले गए और ये गेम हमने कंटिन्यू किया लेकिन गाइज इस गेम प्ले में हम आगे जाके मर जाते हैं तो ये गेम प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ तक था तो एक अच्छा सीन था, एक अच्छा मोमेंट था तो मैंने आपको दिखाया, बट हम इसमें मर जाते हैं गाइज। तो गाइज वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो गाइज माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे प्यार दिखाते रहना और सपोर्ट करते रहना। और मज़े की बात गाइज एक मैंने बहुत ज़्यादा फनी वीडियो एडिट किया, मैं रेड जोन से नॉक हुआ था, वो मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगा तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर देना और जाके वो वाली वीडियो देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा या आप सर्च कर लेना @theanonymousxd। आप जोड़ के लिखोगे तीनों वर्ड्स तो मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, तो गाइज फॉलो कर देना। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना अनॉनिमस की पब्लिक, लव यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।